अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। महिलाएं भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। बठिंडा के SST मोतीराम कन्या महाविद्यालय में देखने को मिली यह एक पारंपरिक नृत्य है जिसे लोग सामूहिक तौर पर गरबा और डांडिया करते हैं। नहीं, फर्स्ट टाइम का मैं अपने आप ही आज से, बट होने से पहले ट्रेनिंग देते हैं, बढ़िया प्रोग्राम होता है, मैं इस साल ट्रेनिंग ली थी, बट मैं पहले भी कर लेनी। हाँ जी, मैं बहुत बढ़िया लगे क्योंकि मैं कले नहीं हाँ, काफ़ी मेरे नाल है, मेरे नाल लड़कियाँ सारिया पंजाबी है, तो असं सारे इंजॉय करते हैं, बहुत बढ़िया इन्हों का वैसे प्रोग्राम है। कला ये नहीं है भी गुजराती है, बट यह है कि असं मिल के करते हैं तो भी सू फील नहीं होंगे भी असं पंजाबी हैं। स्टार्टिंग से ही हैं हम लोग, पहले पहले दूसरा स्कूल में होता था, अभी मोतीराम स्कूल में हो रहा है। बहुत अच्छा है, भक्ति के भाव से ये सारा प्रोग्राम होता है। इस बहाने सब गुजराती फैमिली जो भी बठिंडा में जॉब कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं वो सब एक साथ इस त्यौहार को मनाते हैं, और बहुत सी पंजाबी फैमिलीज भी अब यहाँ में इस त्यौहार में शामिल हो रहे हैं। नहीं, पर ये अच्छा है कि हमारे वो माहौल हमें यहाँ भी मिल रहा है, इसलिए क्या कि कंपैरिजन नहीं है, पर यहाँ भी हम लोग अपना त्यौहार मना रहे हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। आज यहाँ पे गुजराती वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 20 साल हो गए यहाँ पे नवरात्रि होती है उसको, और आज फर्स्ट डे है यहाँ पे गरबे की स्थापना होती है, जैसे गुजरात में होता है उसी तरह से यहाँ होता है। ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम है और यहाँ पहले पूजा आरती सब होता है, बाद में गरबा खेले जाते हैं। और हम यहाँ, मेरे को आए यहाँ 5 साल हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता कि गुजरात की याद आ रही है या कुछ मिस कर दिया गुजरात को छोड़ के। गुजरात की सच्ची नवरात्रि है, ये 8:30 बजे आरती होती है, इसके बाद गरबा खेला जाता है और ये 11:30 बज जाते हैं, 9 दिन का होता है। हाँ जी, हाँ जी, नवरात्रि में ही होता है। यहाँ की नवरात्रि की खास बात ये है कि यहाँ पे कभी फिल्मी सॉन्ग पे नहीं खेला जाता, यहाँ पे जो माता रानी के जो गरबे होते हैं उसी गरबे के ऊपर ही यहाँ पे खेला जाता है। अभी गुजरात में भी कई जगह पर प्रोफेशनल नवरात्रि हो चुकी है ना, तो वहाँ पे फिल्मी सॉन्ग पे होता है, लेकिन यहाँ पे कभी ऐसा फिल्मी सॉन्ग पे नहीं होता, पूरा धार्मिक माहौल में ही यहाँ पे मनाया जाता है। कैमरामैन कपिल शर्मा और कुलविंदर के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।